जो गालिब ने कहा ना कि गम की कटती नहीं एक रात गम की कटती नहीं एक रात और दिन गुजर जाते हैं सौ आराम के सौ आराम के दिन भी ऐसे कट जाते हैं कि जैसे छोटी सी बात रही हो थोड़ा सा समय रहा हो गम की कटती नहीं एक रात दिन गुजर जाते हैं सौ आराम के क्या बताऊं? गालिब गम बुरी बला है बहुत दर्दीला होता है कोई भी गम क्योंकि उसमें वक्त काटना मुश्किल और आराम वाले सुख सुकून वाले दिन हो पता भी नहीं लगेगा कब कितने साल बीत गए तो याद रखना कि खुश रहना आपका स्वभाव दुखी आपका रहना आपका स्वभाव नहीं है प्रेम पूर्ण रहना आपका स्वभाव है घृणा में रहना आपका स्वभाव नहीं है थोड़ा और आगे बढ़िए डर में जीना मुश्किल क्योंकि डर आपका स्वभाव नहीं है आपका स्वभाव निडरता निर्भीकता आपका स्वभाव है निर्भीकता में वक्त बीते पता नहीं लगेगा और डर में जीना पड़ जाए सबसे बड़ी ताकत दुनिया में डर बनकर बैठता है दुनिया को नचाता है पहले लोग बंदर को नचाते थे और आप लोग देखते थे कि बंदर नाचता था और वह बंदर वाला क्या कहता था कि जा अपनी मां के लिए पानी लेकर आ बंदर वहीं बैठा रहता था और फिर कहते थे तुम्हारी वाइफ ने पानी मंगाया है फटाफट उठ के जाता था और एक गिलास में पानी लेकर के आता था अब असल में देखा जाए तो बंदर कुछ भी नहीं कर रहा है वो जो करता है वो डंडे के कारण करता है वो जो उसको डंडा दिखाता है ना उसे पता भी नहीं ये क्या कह रहा है बंदर को कुछ पता नहीं है कि क्या कहा जा रहा है उसे सिर्फ ये पता है कि जब ये डंडा हिलाएगा तो उठना है और जब ये कहेगा बैठे रहो तो बैठे रहना है वो क्या लैंग्वेज समझे लेकिन बंदर वाला एक स्टोरी बनाता है इशारे सिखाता है ट्रेंड करता है और मैं क्या समझाना चाहता हूं बंदर हो या हाथी हो सांप हो या बिच्छू, हो सब पर डर राज कर रहा है वो न चाह रहा है इसलिए विदुर ने एक बड़ा शब्द लिखा दंडम धर्मम विदुर बुधा कि कहीं दंड जो है डर जो है वो धर्म बन के बैठ गया लेकिन फिर भी बात ध्यान रखना डर में जी नहीं पाओगे आप क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है जो स्वाभाविक चीज है वही आपको जिंदगी देता है इसलिए निज रूप में डर नहीं है जो आपका वास्तविक रूप है जो आपका असली स्वभाव है वो डर का नहीं है आपका वास्तविक रूप प्रेम का है घृणा का नहीं है आपका वास्तविक रूप प्रसन्नता का है दुख का नहीं है वो आएगा आप दुखी होंगे डराएगा कोई डरोगे जरूर आपको कोई घृणा देगा आप उससे दुखी जरूर हो जाओगे ये दुखी करने की चीजें बहुत सारी हैं लेकिन सुखी होने के लिए आपको निज रूप में आना पड़ता है और धर्म में सबसे ज्यादा साधना इसी की चलती है कि निज रूप में आओ अपने वास्तविक रूप में पहुंच जाओ क्योंकि तुम पानी की तरह हो गए वर्ड जिससे आग का साथ मिल गया और आग की संगति के कारण अब इस पानी को भी जलाना आ गया है लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए और आग का साथ हटा दिया जाए तो फिर वो अपने असली रूप में आ जाएगा अब वो आग बुझाने के काम आएगा आग से जले हुए को पानी से ही चिकित्सा दी जा सकती है लेकिन पानी जो ठंडक देता है पानी जो प्यास बुझाता है जब वो सौ डिग्री पर पहुंच जाए उबलने लग जाए स्टीम बनने लग जाए तो आग तो ऊपर की चमड़ी को जलाएगी लेकिन जो लेयर आपके स्किन की है उसकी तीसरी लेयर तक जाकर के पानी काम कर जाता है नीचे तक जला कर आएगा इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो हैं और जो हो जाते हैं जो हैं वो तो परमात्मा ने जिस तरह से आपको बनाया है वो अलग रूप है लेकिन जो आप हो जाते हैं वो आप थे नहीं वो तो आपको संगति के कारण हो गया दूसरों के कारण ऐसा हो गया जब आप अपने निज रूप में आ जाते हैं बस वही आपका आनंद है वही आपका चैन है वही आपकी खुशी है वही आपकी शांति भी है इसलिए सारी प्रार्थनाओं में भी इस बात को बोला जाता है भगवान मुझे सुख दो शांति दो मुझे प्रेम दो मेरे रिश्तों में प्रगाढ़ता है प्रेम की प्रगाढ़ता है मेरे घर के जितने भी लोग हैं वो उस रस्सी से बंध जाए जिसे प्रेम का का धागा बोलते हैं और ये धागा टूटे नहीं याद रखिए जिसका ये धागा टूट गया वो घर बिखर गया पूरी माला के बीच की एक कड़ी टूटकर बिखर जाए मतलब धागा टूट जाए तो वो माला सजती नहीं जो गले में पहनी जाती है सारे मन के बिखर जाते हैं किसी के घर के प्रेम का धागा टूट जाए तो प्रेम का धागा टूटा और सब के सब बिखर गए आप सबको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है जोड़ने वाली चीज है प्रेम इस प्रेम के धागे को टूटने मत देना आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण चीज है शांति वो आपका स्वाभाविक रूप है बात बात में कोशिश करो कि कितना भी दूसरों के प्रभाव के कारण अशांत हो जाओ लेकिन फिर कोशिश करो कि आप शांति में लौट आओ दूसरे लोग आपको भड़काएंगे दूसरे लोग आपकी शांति भंग करेंगे आपको फिर से अपने रूप में आना है और आप सोचेंगे हम तो इतने समझदार हम किसी के भड़कावे में थोड़े ही आते हैं कितने भी समझदार बन जाइए आप भड़काने वालों के पास बड़े तरीके होते हैं उनके पास जहर की प्याली ऐसी होती है इतने धीरे से थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद करके कान में डालते हैं और अच्छे भले घर में महाभारत की रचना हो जाती है सब एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं लड़ने मरने को और आपको पता भी नहीं लगता कि कौन भड़का के चला गया कौन आपके घर में आपके जीवन में आग लगा के चला गया इसलिए हर एक आदमी को अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ता है जैसे घर के दरवाजे बंद करने होते हैं चोर के लिए डाकू के लिए कोई गलत आदमी अंदर ना आ जाए आपको भी अपने कुछ दरवाजे लगाने पड़ेंगे समझने की चेष्टा करें कि कौन आपकी खुशियां लूटने के लिए आना चाहता है कौन घर में आग लगाना चाहता है कौन संबंधों के धागे को तोड़ना चाहता है बहुत तरह के लोग हैं देखने में वो डाकू लगते नहीं लेकिन खुशियां लूट ले जाते हैं आपके तो दरवाजे बंद करने पड़ेंगे आपको सावधान होना पड़ेगा वेलकम लिखते दरवाजे पर आप जिनके लिए लिखते हैं वही आने चाहिए अपने हृदय में भी वेलकम लिखिए शुभ के लिए किसी के घर में चोर पहुंच जाए और आप उसे पकड़े और कहें क्यों यहां बोले दरवाजे पे वेलकम लिखा हुआ था गए चोर के लिए लिखो ना लिखो वेलकम वो तो कहीं से भी वेलकम समझ के आता है खिड़की से आएगा दीवार तोड़कर आएगा किसी भी तरीके से आएगा बुराई कहीं से भी आएगी याद रखना आप भलाई के लिए वेलकम लिखो कि मेरे जीवन में भलाई आए मेरे जीवन में प्रेम आए मेरे जीवन में शांति आए मेरे जीवन में आनंद आए मेरे जीवन में खुशियां आए उनके लिए वेलकम लिखी है और बीच बीच में ऐसे विचार आ जाते हैं जो आपको गलत तरफ ले जाते हैं तो आपके पास जैसे आपके फ़ोन में डिलीट वाली भी ऑप्शन होता है आपके कंप्यूटर में भी इरेज करने के लिए डिलीट करने के लिए व्यवस्था है पेंसिल में भी इरेजर लगा हुआ होता है रबड़ लगी होती है ऊपर आप उससे मिटा सकते हैं क्योंकि आदमी से गलती हो सकती है किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी में गलत चीज प्रवेश कर जाए तुरंत डिलीट वाला बटन दबाओ निकालो बाहर फिल्टर करने की व्यवस्था है ना आपके अंदर अगर फिल्टर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है और जिसने फिल्टर नहीं किया तो ये ध्यान रख लीजिए उसकी जिंदगी में फिर वो अनचाही चीजें आकर बैठेंगे और जिंदगी को खराब करेंगे घर खराब होगा हो ही होगा